missionary, and every time he comes up with a new thing, with a huge basis thing, and I'm glad I'm a part of it. And Shogar Daniel ke naam ki SI ki yeh shreya asam, to uske liye aapko 3 baje dikhna padega tagal. So I was really excited on this project, and yeah. इस शो का फर्स्ट एपिसोड है, शायद से मेरा ही एपिसोड है फर्स्ट, और इस शो का फर्स्ट डे जो था वो मैं ही था सेट पे, एंड काफ़ी मज़ा आया इस शो पे काम करने को, क्योंकि एक्चुअली जो मेरा कैरेक्टर है वो रियल लाइफ से लड़कियों से बहुत डरता है शायद, एंड काफ़ी मज़ा आया उसके लिए कैरेक्टर प्ले करने में, एंड सो थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग फॉर दिस ये इश्क नहीं आसान, ये शूट नहीं था आसान, but again हमें आसान काम करना अच्छा ही नहीं लगता, and realize that about myself and I think him also. तो when I knew that I got a call from this production and so one thing is that मैं इन्हें love stories के साथ बहुत trust करती हूँ, you know those few people in the industry you feel will do something magical. And ये complicated love stories and this so much of complexity, I think हमेशा work करता है, किसी को आसान इश्क यहाँ पर पसंद नहीं है, सबको मुश्किल और you know वैसा इश्क जो कभी कामयाब नहीं होता है वैसा इश्क ही सबको अच्छा लगता है, तो I think it definitely it's going to be another feather in their hat for sure, and Dangal too, and congratulations to them, you know. So but I think it's a really good platform for all of us. More and more the people get aware, like we spoke, तो ये जो भी अच्छा content मेहनत जो हम कर रहे हैं वो ज़्यादा दिखेगा, तो you guys are the best people यार, तो to spread the word. मेरा तो एक्चुअली स्टार डेब्यू ही हुआ था फ्रॉम अ शो लाइक दैट प्यार तूने क्या किया, एंड टिल टुडे द काइंड ऑफ स्टोरी दैट वी मेड उसकी वजह से आज तक लोग मुझे बोलते हैं, सो दैट वॉज वन थिंग वेरी मेमोरेबल, एंड अगेन आई गॉट अ चांस in my second inning to do something like that after Ace of Spades. This is my first acting you know thing that I have done, and it's a beautiful story, matlab itni amazing story, main sunte I was like I don't care, I want to do it. It was tough to shoot short mein aapko shot. Anyway, thank you so much Kanan channel and Mr. Vikas Gupta for giving me this opportunity. I really love it, playing the character. Coincidentally, the name is same that I had played the Keshav in Buddy Project. It was a wonderful experience. Vikas, जो है शुरू से ही यूथ के लिए इतना कुछ करते आ रहे हैं, तो ट्रस्ट वाला फैक्टर ऐसा कुछ कर दिया गेम शो में आपको कैसे मिलते हैं? Exactly, मेरा डायरेक्शन कहीं और था ही नहीं. प्यार तूने क्या किया, घूम रहा, ये आशिकी, तो सभी सक्सेसफुल रहे, एंड आई रियली विश ऑल द बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशंस मैम एंड टू यू ऑल्सो. उसी तरह ये इश्क नहीं आसा भी कामयाब रहे, सक्सेसफुल रहे. थैंक यू सो मच. यू आर इन लव एंड यू नो ऑटोमेटिकली थिंग्स फॉल इन प्लेस. तो ऑफ कोर्स मिलने से पहले बहुत मुश्किल होता है, बट जब एक बार मिल जाता है देन यू फील अ सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन, फील ऑफ सपोर्ट. आई थिंक दैट्स द क्रेजीएस्ट थिंग इन लाइफ, एंड वंस यू नो कि हां बाबा नो मैटर व्हाट हैपेंस इन लाइफ यू हैव समवन बाय योर साइड टू सपोर्ट यू एंड लव यू एंड कंफर्ट यू, आई थिंक लाइफ बिकम्स रियली इजी. तो इश्क आसान नहीं होता, बट जब मिल जाता है तो उससे अच्छी चीज और भी लगती नहीं है. जैसे हम सब बोलते हैं इट्स नॉट इजी, इट्स वर्थ इट. सो आई फील द टफर द रिलेशनशिप गोज, द टफर द जर्नी टू अचीव द लव, द स्ट्रॉन्गर द लव गेट्स एंड यू फील मोर वर्थ इट. भले मुश्किल होता है बट आई फील यू स्ट्राइव फॉर इट एंड यू गो फॉर इट, बिकॉज लव इज लव. आई मीन एवरीबॉडी वांट्स इट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. And it's all worth it towards the end, no matter how difficult it is. ये होती है जब एक टीम को आप मिलते हो, उनकी सोच, उनका पैशन kind of matches with yours. So that's why we decided that we will go ahead and make a show together, which is taken a form of ये इश्क नहीं आसान. But उस समय हमें पता नहीं था. फिर उसके बाद like एक महीने पहले पता चला कि Dangal's become number one. So कहते हैं ना हम हैं ही लक्की सबके लिए. तो सुपर है, बहुत अच्छी बात है. And I'm hoping that the tuning of the show does very well. So you know, you see, my usual people are not on the show as of now, but like you will not have the Parth, or you will not have Karan, because this show young tha. So we decided to take all the young popular faces on the show, because the idea is to get the MTV audience, the idea is to get the younger people to come and sample the channel and see it, and that's one of the reasons why we chose to pick up names which are very very popular with the youngsters. And I
somehow have to say thanks to everyone else who got involved and it came on board. So it's very exciting. वो इसलिए मुश्किलात होती है क्योंकि क्या होता है ना कि आपको हमेशा नई कहानियाँ बनानी पड़ती है, नए कैरेक्टर्स बनाने पड़ते हैं, नए लुक्स करने पड़ते हैं. बिकॉज जब आप एक शो बनाते हो डेली तो आपने एक कैरेक्टर बनाया हुआ है, कैरेक्टर को समझ में आ जाता है, लुक समझ में आ जाता है, फिर वो एक ऑटो पायलट पर चलने लगता है. पर आप कहानियाँ बनाते रहते हो, एक्टर समझते हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस करना है क्या नहीं करना है, लेकिन विद न्यू और स्टोरीज एवरी टाइम एनी वन हु नोज हु मेक्स द शोज विल अंडरस्टैंड कितना डिफिकल्ट होता है for the director, for the channel team, for the production house team. But I think now difficulty में तो मज़ा आता है. तभी तो हमने बोला था कि हमें नहीं बनना IAS officer, नहीं बनना doctor, हमें बनना ही इस media में आना है. तो जैसे तुम लोग भी रात भर घूमते रहते हो, हम लोग भी रात भर उठे रहते हैं edit पर. सिंपल. नहीं, बहुत बड़ी गलतफहमी हुई थी वो. आज थ्रो बैक थर्सडे है और उसके साथ साथ आज लव स्टोरीज़ का ऐसा अनाउंसमेंट थी, तो मेरे लिए मेरे सामने वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लव स्टोरीज़ हैज़ बीन प्रिंस एंड युविकास. और मैंने उन्हें मिलाया था फर्स्ट टाइम, एंड उसके बाद जब वो बिग बॉस गए उसके बाद वापस आए, एंड व्हेन दे हैड प्रपोज्ड दे वर द फर्स्ट पीपल, आई वाज द फर्स्ट पर्सन दे केम आफ्टर पेरेंट्स टू से वी आर गेटिंग एंगेज्ड. सो फॉर मी इन दैट लव स्टोरी यू नो दे हैव बीन दैट वन एग्जाम्पल हु आई नो फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन द स्टोरी स्टार्टेड एंड वेयर दे आर मैरिड हैप्पीली एंड डूइंग सो वेल. तो इसलिए मैंने उनका पोस्ट डाला था. मैंने अभी तक उनसे बोला नहीं है कि कम ऑन ये इश्क नहीं आसान, बिकॉज दे बीन वेरी वेरी टाइड अप. प्रिंस हैज बीन डूइंग रोडीज नाउ. सो अगर वी डिसाइड टू एक्सटेंड द शो एंड देयर इज स्टिल टाइम, आई विल आस्क देम कि प्लीज़ कम ऑन माय शो. बस पैसे मत लेना क्योंकि है ही नहीं मेरे पास. तो एपिसोड वाइज ही है ये, एंड हर एपिसोड में एक नया लव स्टोरी दिखेगा आपको, नया प्यार का भावना दिखेगी लोगों के अंदर जागती हुई. तो नहीं, मुश्किल इश्क बिल्कुल. वैसे जितना भी प्यार के बारे में मैंने एक्सपीरियंस किया है खुद के लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कि एज ह्यूमन बींग्स हमें अच्छा लगता है कि जब इश्क आसान नहीं होती है तो ही हम उसकी वैल्यू ज़्यादा exactly. करते हैं. और बट जब इश्क बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता तो मुझे लगता है थोड़ा बोरिंग सा नहीं हो जाता. तो आई फील कि ये जो लव स्टोरीज़ है, ये सीरीज़ है, ये परफेक्ट है. और ये काफ़ी रिलेटेबल स्टोरीज़ है, ऐसे कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली बात नहीं है. ये नॉर्मल है, रेगुलर लोग हैं हम जो किरदार भी प्ले कर रहे हैं, बहुत ही नॉर्मल किरदार प्ले कर रहे हैं. और हमारे साथ कैसे यू नो नॉर्मल लोग कैसे कुछ कर जाते हैं इश्क में, ये उनके बारे में. फोर्थ ऑफ मे, या आई वाज राइट अबाउट इट, आई सेड फोर्थ बट आई वाज जस्ट रीकन्फर्मिंग. इट्स गोना कम ऑन द फोर्थ ऑफ मे ऑन दंगल. और ये चैनल जैसे कि अभी मुझे पता चला बहुत ही पॉपुलर चैनल है, काफ़ी लोग देख रहे हैं, नंबर वन चैनल, या मासेस बहुत ज़्यादा देख रहे हैं. और ये ऐसे टाइप का शो इस चैनल पे नहीं है, इज द फर्स्ट शो जो ऐसा आ रहा है यूथ एंड लव रिलेटेड. और 3 o'clock इज़ आर टाइम स्लॉट, और प्लीज़ देखिए. और जब रिपीट्स भी आएंगे तो होपफुली ज़्यादा रिपीट्स आएंगे तो पीपल कैन वॉच जो भी मिस करें. आसान होता ही नहीं है इश्क, और थोड़ा और ज़्यादा वो तो कोई ऐसी मतलब ऐसा कुछ लेवल नहीं है कि पता हो, लिमिट नहीं है. तो बाकी इफ़ यू टॉक अबाउट माई स्टोरी अबाउट ये इश्क नहीं आसान, तो इट वॉज नॉट ईजी एट ऑल. इट टेक्स अ लॉट इन द स्टोरी, यू विल गेट टू सी एक्चुअली. जब आप देखेंगे 3 बजे आएगा 4 तारीख को दंगल चैनल पे ये इश्क नहीं आसान. स्ट्रगल नहीं था, क्रेजी बस एक ही चीज़ थी कि से दिस गाय कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो वही जो स्ट्रगल है. I had played a character called Keshav Desai, Buddy Project. Unconsciously, इनका नाम भी सेम है, केशव ही है इसमें भी मेरा, ये इश्क नहीं आसान है. तो वो कोई डिफिकल्ट नहीं था, बट एक चीज़ जो थोड़ी क्रेजी थी और थोड़ा सा चैलेंज था मेरे लिए, मेरे को रिक्शा चलाना था, ऑटो रिक्शा. आई डेंट, इट वॉज लाइक स्पॉन्टेनियस बिकॉज आई नो हाउ टू ड्राइव अ 2-wheeler, राइट. सो आई ट्राइड माई हैंड एंड डिड इट. लाइक आई रिहर्स्ड फॉर लाइक आई टुक 3 or 4 राउंड्स, एंड यू नो बिकॉज इट्स अ डिफरेंट थिंग, मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था. बट ईजी रहा, लेकिन मज़ा बहुत है.